ओम शांति। चलो पुराने वर्ष को विदाई और नए वर्ष के आगमन पर श्रेष्ठ संकल्प करें, आध्यात्मिकता के दीप जगाएं, सुख शांति समृद्धि नए वर्ष में पाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इस भारत देश की संस्कृति स्वर्णिम और गौरवशाली रही है, ये हम सबका परम सौभाग्य है कि इस भूमि पर हमने जन्म लिया। जन्मते ही बचपन से ही हमें आध्यात्मिकता और धार्मिक संस्कार प्राप्त होते हैं, परंतु पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने के कारण हमने अपनी इस पवित्रता और दिव्यता को समाप्त कर दुख और अशांति झेलने लगे हैं। दूसरी तरफ सारा विश्व इस महामारी के संकट के दौर से गुजर रहा है, परिणाम स्वरूप प्रत्येक मानव दुख अशांति हताशा निराशा और तनाव का अनुभव कर रहा है। ऐसे समय पर इन सब को परिवर्तन करने का मूल आधार है आध्यात्मिकता। हम स्वयं को पहचाने और उसके मूल स्वरूप में स्थित हो अपने आप में सच्चे सुख और शांति का अनुभव करें। आत्मिक स्वधर्म को भूलने के कारण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन विकारों ने और भी हमें कंगाल बना दिया। तो इस नए वर्ष के आगमन पर हम सब सच्चे मन से ये एक श्रेष्ठ संकल्प करें कि मैं सारा वर्ष शांत रह करके कर्म करूंगा, इस क्रोध को समाप्त कर शांति की अनुभूति करूंगा। क्योंकि कहा जाता है क्रोध एक अग्नि है, जहां क्रोध है पानी के घड़े भी सुखा देता है और जीवन से शांति दूर हो जाती है। तो हम प्रत्येक आत्मा को भाई भाई की दृष्टि से देखें और अपने शांत स्वरूप में स्थित होकर के कर्म करें। आज मैं आपको इस क्रोध से मुक्त होने की कुछ एक बातें ध्यान पर देना चाहूंगी। जिस समय आपको क्रोध आता है, क्योंकि ये एक स्वाभाविक बन गया है, हमारी एक नेचर बन गई है, तो मूल नेचर को जागृत करने के लिए जिस समय पर क्रोध आता है, तब आप संकल्प करेंगे कि आज नहीं कल करना है। दूसरी बात, जिस समय पर बहुत आवेश और आवेग आता है, तब भी आप अंदर में ओम शांति कहकर अपने स्वधर्म में स्थित होने का पुरुषार्थ करेंगे। और अगर बहुत अधिक क्रोध आ रहा है तो एक ग्लास ठंडा पानी पीकर मन को शांत करेंगे। जब आप ये सोचेंगे आज नहीं कल, तो कल तक ऑटोमेटिक क्रोध शांत हो जाएगा। जब तक कोई भी कर्म में संकल्प आता है, उससे हमारा विकर्म बनता है और विकर्म से अशांति हो जाती है। तो मैं इस नए वर्ष के उपलक्ष में आप सभी से यही एक विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी कि हम इस विश्व में सुख और शांति के प्रकंपन फैलाएं, उसके पूर्व स्वयं को शांत स्वरूप बनाएं, ताकि आपका जीवन शांतिमय बने, आपके परिवार में, आपके द्वारा समाज में और विश्व में ये शांति के प्रकंपन फैले। और पुनः जो हम चाहते हैं कि नए वर्ष में सारा ही वर्ष मेरा जीवन सुख शांतिमय बीते, तो अवश्य ही आपके जीवन में इस सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। सभी के प्रति यही मेरी दिल की दुआएं और आंतरिक शुभ भावना मंगल कामना है। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, परमात्मा स्मृति में सदैव आगे बढ़ते रहो, परिवार भी स्वस्थ रहे, समृद्धि बढ़ती रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ ओम शांति।